क्लास टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चालुक्यज ऑफ गुजरात और सोलंकीज। दिस चालुक्यज ऑफ गुजरात और सोलंकी डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन बिटवीन 10th टू 13th सेंचुरी CE। आज हम लोग गुजरात के चालुक्य या सोलंकियों के बारे में बात करेंगे। गुजरात के चालुक्य जो थे उनका शासन काल था 10th से 13th सेंचुरी CE तक। देयर आर सेवरल थियोरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ चालुक्यज ऑफ गुजरात। फर्स्ट इज अग्निकुंड थियोरी। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, वशिष्ठ प्रोड्यूस्ड 4 राजपूत क्लैंस फ्रॉम सैक्रिफिशियल पीट और अग्निकुंड, एंड दोज 4 क्लैंस वेर क्षत्रिय क्लैंस वेर प्रतिहार, पारमार, चाहमांस एंड चालुक्यज। एंड अकॉर्डिंग टू इट इट इज कंसिडर्ड दैट द ओरिजिन ऑफ चालुक्यज ऑफ गुजरात वेर फ्रॉम अग्निकुंड ऑफ वशिष्ठ। चालुक्यों के उत्पत्ति के बहुत से सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला है अग्निकुंड सिद्धांत, जिसके तहत वशिष्ठ ने एक अग्निकुंड से एक यज्ञ के द्वारा 4 राजपूत को प्रोड्यूस किया था, जो थे प्रतिहार, पारमार, चाहमान और चालुक्य। और ये चालुक्य ही गुजरात के चालुक्य थे। और इस तरीके से ये गुजरात के चालुक्य अग्निकुंड से इनका उत्पत्ति हुआ था। द स्कॉलर्स लाइक टॉड, स्मिथ, क्रूक, दे यूटिलाइज दिस अग्निकुंड थियोरी एज अ एविडेंस ऑफ द फॉरेन ओरिजिन ऑफ चालुक्यज ऑफ गुजरात। And according to them, this Chalukyas of Gujarat were actually foreigners and later purified through the performance of some fire ritual. Besides, there were no Agnikulas among the Kshatriyas. Therefore, the theory of Todd, Smith and Crook could not be accepted. But Dr. Bhandarkar also propounded the theory of foreign origin, but his ground was different. He considered Chalukyas as the foreign tribe of Khazaras or the Gurjaras, who entered in India with Hunas and settled in Lath region, which became Gujarat after they settled down there. However, his theory also could not be accepted, as there were no evidence that Gurjaras came along with Hunas, and there were no proof that Gurjaras were the foreigners. Besides, scholars like A.K. Majumdar also believed that the Chalukyas of Gujarat originated from a kind of foreign tribe, and he considered that Chalukyas of Gujarat were moved to India from Central Asia. Basically, they were the descendant of Shakas or Kushanas. But his theory did not have a solid ground. That's why it was also not much convinced. इस अग्निकुंड थ्योरी के आधार पे टॉड, स्मिथ, क्रूक के जैसे विद्वान चालुक्यों के गुजरात के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को सामने रखते हैं। उनके अकॉर्डिंग चालुक्य ऑफ गुजरात असल में विदेश से, बाहर से भारतवर्ष में आए थे, और ये जो अग्निकुंड का इंसिडेंट हुआ था, मतलब जो अग्निकुंड वाले यज्ञ हुआ था, इसके द्वारा उनको एक्चुअली शोधित या प्योरीफाई किया गया था। लेकिन क्योंकि कोई अग्निकुल
नामक कोई भी किसी प्रकार का कुल क्षत्रियों में मौजूद नहीं है, इस वजह से इनका ये सिद्धांत को बहुत ज़्यादा माना नहीं जा सकता। इसके अलावा डॉक्टर भंडारकर भी गुजरात के चालुक्यों का विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को ही महत्व देते हैं, मानते हैं। उनके अनुसार जो ये गुजरात के चालुक्य थे वे एक फॉरेन ट्राइब थे, मतलब बाहर की विदेशी जनजाति थे, जिनका नाम था खजरास या गुर्जरास, जो कि हूनों के साथ भारतवर्ष में आए थे और लत के जो एरिया था वहाँ पे आके बसे थे, जो उनके बसने के बाद गुजरात के नाम से जाना गया था। लेकिन इनके इस थ्योरी को माना बहुत ज़्यादा माना नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है कि गुर्जर जो थे वो हूनों के साथ भारतवर्ष में आए थे। और दूसरा ये भी कहीं से नहीं पता चलता है कि गुर्जर जो थे वो विदेशी थे। इसीलिए भंडारकर का ये जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है इसको माना नहीं जा सकता है। इसके अलावा एक के मजुमदार नामक एक विद्वान है, वे भी चालुक्यों गुजरात के चालुक्यों को विदेशी माने हैं, और उनके अनुसार वे सेंट्रल एशिया से मध्य एशिया से भारतवर्ष में आए थे, और वे शक और कुषाणों के उत्तराधिकारी है। लेकिन उनके इस थ्योरी का भी कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड ग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है, इस वजह से इसको भी माना नहीं जा सकता है। तो इन तमाम साक्ष्यों के आधार पे गुजरात के चालुक्यों का विदेशी जो उत्पत्ति का सिद्धांत है इसको भी खारिज कर दिया जाता है, इसको भी नहीं माना जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हेमचंद्रस डिस्क्रिप्शन, भीमदेव चालुक्य वॉज द डिसेंडेंट ऑफ सोमा और मून, एंड दिस कुड बी कोरिलेटेड विद द लूनर क्लैन ऑफ क्षत्रियाज। देयरफोर द चालुक्यज ऑफ गुजरात कुड बी कंसिडर्ड एज द लूनर क्लैन ऑफ क्षत्रियाज एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया इट्सेल्फ। हेमचंद्र के वर्णना या हेमचंद्र के अनुसार भीमदेव चालुक्य सोम या लूना चंद्रमा के उत्तराधिकारी या डिसेंडेंट थे, और क्योंकि चंद्रवंशीय क्षत्रिय भी होते हैं, क्षत्रिय क्लैन में एक वंश चंद्रवंश भी होते हैं, तो इस तरीके से जो गुजरात के चालुक्य थे उनको चंद्रवंशीय क्षत्रिय माना जा सकता है। और इस तरीके से गुजरात के चालुक्यों का भारतीय या इंडिजिनस उत्पत्ति का सिद्धांत को एक्सेप्ट किया जा सकता है, माना जा सकता है, और वे चंद्रवंशीय या लूनर रेस के क्षत्रिय थे। द होमलैंड ऑफ द चालुक्यज ऑफ गुजरात was Gujarat itself, which can understand from the name of their dynasty as well. But from some literary evidence, we can find it that the early Chalukya of Gujarat king, Raji, sometimes who was considered as the founder of this dynasty, he actually belonged to a Kshatriya clan of Kanyakubj, and he moved to Gujarat and founded the Chalukyas of Gujarat or Solanki dynasty. वैसे Chalukyas of Gujarat या गुजरात के चालुक्यों का जो होमलैंड था वो गुजरात ही था, जो इनके राजवंश के नाम से भी हमें पता चल रहा है। लेकिन कुछ साहित्यिक स्रोत से हमें ये पता चलता है कि प्रारंभिक चालुक्यों के गुजरात के एक प्रारंभिक राजा जिनका नाम राजी था, कुछ साहित्यिक स्रोत में उनको ये भी माना जाता है कि वही उन्होंने ही गुजरात के चालुक्य राजवंश का स्थापित किए थे।
वे असल में कन्याकुब से गुजरात की तरफ आए थे और गुजरात में चालुक्यज ऑफ गुजरात या सोलंकी जो डायनेस्टी है, राजवंश है, उसको स्थापित किए थे। दिस मैप इज शोइंग द इम्पॉर्टेंट राजपूत डायनेस्टीज ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। आई हैव पॉइंटेड द एरिया, यू कैन सी हेयर, विच इज़ द एरिया और द होमलैंड ऑफ चालुक्याज ऑफ गुजरात और सोलंकीज। ये जो मैप है, ये जो महत्वपूर्ण राजपूत डायनेस्टीज था वो उसको दिखा रहा है, और हम लाल रंग के गोले से उस एरिया को दिखा रहे हैं इस मैप में, जहाँ गुजरात के चालुक्य या सोलंकियों का जो होमलैंड था। और जैसे कि इनके राजवंश के नाम से भी पता चल रहा है, तो इनका जो मूल एरिया था वो गुजरात का, आज का मॉडर्न भी गुजरात का हिस्सा था। वी हैव इंस्क्रिप्शनल एंड लिटरेरी सोर्सेज फॉर द चालुक्याज ऑफ गुजरात। सम इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस आर भदना का इंस्क्रिप्शन, काडी इंस्क्रिप्शन, उदयपुर प्रशस्ति और उदयपुर इंस्क्रिप्शन, तलवारा इंस्क्रिप्शन एट्सेट्रा। एंड अमंग द लिटरेरी सोर्सेज सम इम्पॉर्टेंट लिटरेचर आर पृथ्वीराज रासो, प्रबंध चिंतामणि, विक्रमादेवा चरित, कुमारपाल चरित, कुमारपाल भूपाल चरित, हमीरा महाकाव्य, कीर्ति कौमदी एट्सेट्रा। गुजरात के चालुक्यों के बारे में जानने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे पास अभिलेखिक और साहित्यिक दोनों प्रकार का स्रोत मौजूद है, जिनमें से पहले अभिलेखिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। जिनमें से महत्वपूर्ण अभिलेखिक स्रोत है वदनग इंस्क्रिप्शन, काडी इंस्क्रिप्शन या काडी अभिलेख, उदयपुर प्रशस्ति या उदयपुर अभिलेख, तलवारा अभिलेख आदि। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत भी हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, प्रबंध चिंतामणि, विक्रमादेव चरित, कुमारपाल चरित, कुमारपाल भोपाल चरित, कीर्ति कौमदी इत्यादि। द फाउंडर ऑफ चालुक्याज ऑफ गुजरात डायनेस्टी वॉज मूलराज फर्स्ट, हु हैड असेंडेड द थ्रोन in 941 CE. This fact is historically proven. Besides, there are several other views, like some scholars also said that Mulraja's father named Raji was the actual founder of this dynasty, but historically it is the truth, or the historical fact is that Mulraj first was the actual फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। गुजरात के चालुक्य राजवंश के जो स्थापना जो है वो मूलराज फर्स्ट ने किया था, और उनका काल था 941 to 996 CE। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि मूलराज प्रथम के पिता राजी एक्चुअल में इस राजवंश का स्थापना किए थे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से मूलराज प्रथम ही इस राजवंश का स्थापना किए थे, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ चालुक्याज ऑफ गुजरात, एंड ही इज जयसिंह सिद्धराज। द टाइमिंग ऑफ जयसिंह सिद्धराज was in between 1094 to 1142 CE. When his father was died, he was a minor. That is why when he ascended the throne in the initial 3 to 4 years, his mother was ruling instead of him. His mother's name was Mayanalla Devi. He managed to rule with the help of his trusted minister. During this time,
when Jai Singh was minor and his mother was ruling. Jai Singh's nephew named Deva Prasad revolted against him, but he was killed. And after a few years, when Jai Singh became in his age, he ascended the throne officially. अब हम लोग जय सिंह सिद्धराज के बारे में बात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक थे गुजरात के चालुक्यों का. इनका समयकाल था 1094 से 1142 CE. जब इनके पिता का देहांत हुआ, उस टाइम जय सिंह सिद्धराज अल्प आयु, मतलब कम उम्र के थे, और इसी वजह से जब वो सिंहासन आरोहण किए तो पहला 3-4 वर्ष उनकी माता उनके जगह पे शासन की थी. और उनकी माता का नाम था मायानल्ल देवी, और वो उनके एक बहुत ही विश्वसनीय मंत्री संतु के मदद से शासन कर रही थी. लेकिन इसी बीच जय सिंह का नेफ्यू, जिनका नाम था देव प्रसाद, वो विद्रोह कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको हत्या कर दिया जाता है. कुछ साल बाद जब जय सिंह अपने वयस्क हो जाते हैं, मतलब अपने ऐसे ही उम्र में आ जाते हैं, तो वो ऑफिशियली अपने राज सिंहासन या राजगद्दी पे स्थापित हो जाते हैं. आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, जय सिंह सिद्धराज मार्च्ड टुवर्ड्स अभिरा किंग ऑफ सौराष्ट्र एंड डिफीटेड हिम. सिंहासन आरोहण करते ही जय सिंह सिद्धराज सौराष्ट्र के अभिरा किंग के तरफ बढ़ते हैं और उन्हें पराजित करते हैं. द चाहमान डायनेस्टी ऑफ नादोल शेयर्ड अ हॉस्टाइल रिलेशन विथ द चालुक्यज ऑफ गुजरात, but the contemporary Chahaman of Nadol king named Asharaj decided to leave behind the hostile relation with Chalukyas of Gujarat and considered and accepted Jai Singh as his overlord. Nadol ke jo Chahaman rajvansh the, शुरू से ही उनका एक शत्रुतापूर्ण संबंध गुजरात के चालुक्यों के साथ था. लेकिन जय सिंह के तत्कालीन समकालीन, जय सिंह के समकालीन जो चाहमन, नादोल के चाहमन राजा थे असरज, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो शत्रुतापूर्ण संबंध को ख़त्म कर दिया जाए और वे जय सिंह को अपना लॉर्ड, यानी कि अपना अपने ऊपर उनको स्थापित करते हैं और उनको उस तरीके से स्वीकार करते हैं. जय सिंह अटैक्ड ऑन परमारा डायनेस्टी ट्वाइस एंड डिफीटेड नरवर्मा एंड यशोवर्मा रेस्पेक्टिवली एंड इम्प्रिजेंट देम. ही ऑक्यूपाइड देयर कैपिटल धरा एंड the Avanti region was annexed by him. Jai Singh Parmar Rajvansh ke upar do bar akraman karte hai aur unke do raja Narvarma aur Yashovarma dono ko ve harate hai aur bandi bana lete hai. Parmaro ka jo rajdhani tha Dhara, usko ve hasil kar lete hai aur अवंती का जो क्षेत्र था वो भी उनके उनके मतलब जय सिंह के अंडर हो जाता है. थ्रू द एनेक्सेशन ऑफ अवंती, द चालुक्य किंग, चालुक्य ऑफ गुजरात किंग जय सिंह केम वेरी नियर टुवर्ड्स द चंदेला डायनेस्टी एंड द नेक्स्ट अटेम्प्ट मेड बाय जय सिंह was attack on Chandelas. And because Chandelas were also very powerful that time, therefore this Chalukyas of Gujarat King Jai Singh and Chandelas shared a series of defeat
and success against each other. Both of these dynasties claimed victory over the other one. अवंती के ऊपर कब्जा करने के बाद, अवंती को अपने साम्राज्य के अंतर्गत करने के बाद, जय सिंह चांदेल राजवंश या चांदेलों का जो सीमा था उसके बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। और जो अगला कदम जय सिंह का था वो था चांदेलों पर आक्रमण, क्योंकि चांदेल भी उस टाइम बहुत ही शक्तिशाली एक राजवंश था। तो वो दोनों में काफ़ी बार युद्ध होता है और दोनों कभी ना कभी एक दूसरे से जीतते हैं और हारते हैं। और दोनों ही राजवंश अपने अपने साहित्यिक और अभिलेखिक स्रोत में ये उल्लेख करते हैं कि एक दूसरे को हराए हैं, लेकिन अल्टीमेटली कौन जीता या कौन हारा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई सही तथ्य नहीं प्राप्त होते हैं। आफ्टर दैट जय सिंह प्रोबेबली डिफिटेड द मुस्लिम रूलर ऑफ सिंध, द कीर्ति कौमदी एंड द दोहा द इंस्क्रिप्शन बोथ प्रूव्ड दिस फैक्ट, बोथ मेंशंस सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फैक्ट। उसके बाद जय सिंह सिंध के मुस्लिम शासक को हराते हैं और इसका उल्लेख हमें या इसके से रिलेटेड संबंधित तथ्य हमें कीर्ति कौमदी और दोहदा इंस्क्रिप्शन से, दोहदा अभिलेख से प्राप्त होते हैं। द कंटेम्पररी चालुक्याज ऑफ कल्याणी रूलर ऑफ जय सिंह वॉज विक्रमादित्य सिक्स्थ, हिज अनदर नेम वॉज ऑल्सो परमर्दी। अकॉर्डिंग टू तलवारा इंस्क्रिप्शन, परमर्दी और विक्रमादित्य सिक्स्थ ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याणी वॉज डिफिटेड बाई जय सिंह, बट देयर वेर अदर एविडेंसेज व्हिच सेड अबाउट द डिफीट ऑफ जय सिंह बाई द चालुक्याज ऑफ कल्याणी। Whatever it was, probably there were several wars or battles between the Chalukyas of Gujarat and Chalukyas of Kalyanis, and they shared several defeat and success with each other. Jai Singh ke samkalin jo Kalyani ke Chalukya raja the, unka naam Vikramaditya सिक्स्थ या परमार्दी था। तलवारा विलेख के अनुसार जय सिंह इस विक्रमादित्य सिक्स्थ को हराए थे, लेकिन कुछ और साक्ष्य या कुछ और स्रोत से ये भी पता चलता है कि जय सिंह कल्याणी के चालुक्य के द्वारा भी कई बार पराजित हुए थे। ये बात इसलिए समझ में नहीं आता है कि दोनों में कौन किससे पराजित हुआ था, लेकिन ये क्लियर है, ये बहुत स्पष्ट है कि गुजरात के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, मतलब जो पश्चिमी चालुक्य है को कल्याणी के चालुक्य, इन दोनों के बीच एक युद्ध वाला संबंध था जिसमें ये दोनों ने कई बार जीते भी हैं, हारे भी हैं, और इस तरीके का एक संबंध आपस में इन लोगों का था। देयर वॉज अ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द चालुक्यज ऑफ गुजरात किंग जय सिंह एंड हिज कंटेम्पररी गहरवाल रूलर गोविंद चंद्र। चालुक्य राजा जय सिंह के साथ समकालीन गहरवाल राजा गोविंद चंद का एक मित्रतापूर्ण संबंध था। अकॉर्डिंग टू कीर्ति कौमदी, जय सिंह कॉन्क्वर्ड ओवर गौड़ डायनेस्टी, बट देयर वर नो अदर एविडेंस विच कैन प्रूव दिस फैक्ट, देयरफॉर वी जस्ट हैव टू रिलाई ऑन कीर्ति कौमदी इन दिस मैटर। कीर्ति कौमदी के अनुसार जय सिंह गौड़ साम्राज्य को भी अपने सीमा के अंतर्गत किए थे,
लेकिन इस तथ्य को का पुष्टि करने के लिए हमें कोई और साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इस वजह से हमें इस मैटर के लिए, इस तथ्य के लिए सिर्फ कीर्ति कौमुदी पे ही आधारित होना पड़ता है। इन दिस वे द किंगडम ऑफ जय सिंह इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान विच इंक्लूड्स सांभर एंड ऑल्सो अ लार्ज पार्ट ऑफ मालवा विच इंक्लूडिंग धारा एंड उज्जैन। द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम वॉज अनहिलपत्तना। ही ऑल्सो टाइटल्ड हिमसेल्फ एज सिद्धराज विच वी ऑलरेडी नो बिसाइड्स महाराजा धीराज परम भट्टारक एंड परमेश्वर। इस तरीके से जय सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र, लट, राजस्थान के कुछ हिस्से जैसे कि सांभर, मालवा के कुछ हिस्से जैसे कि धारा, उज्जैन, इतना हिस्सा आ गया था। उनके जो कैपिटल था वो अनहिलपत्तना था। वे अपने आप में कुछ उपाधि भी धारण किए थे जैसे कि महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर आदि। जय सिंह सिद्धराज वॉज बेसिकली अ शैव। द फेमस टेम्पल सोमेश्वर वॉज अंडर हिज प्रोटेक्शन। इंस्टेड ऑफ बींग अ शैव ही हैड अ एटीट्यूड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। He was very respectful towards other religions, mainly towards Jainism. He also patronized several scholars, and among them, Hemchandra was the significant one. He also constructed a tank, a tower, and also some temples. जय सिंह सिद्धराज धार्मिक रूप से एक शैव थे, शैव विचारधारा के थे, शैविज्म को फॉलो करते थे। सोमनाथ मंदिर उनके प्रोटेक्शन में था। एक शैव होते हुए भी वे धर्म सहिष्णु भी थे, बाकी के धर्मों के प्रति भी वे बहुत सम्मानपूर्ण या रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखते थे। स्पेशली अगर देखा जाए तो जैनिज्म के प्रति उनका बहुत रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड था। इसके अलावा वो बहुत से स्कॉलर्स को, विद्वानों को भी बहुत पेट्रोनाइज्ड करते थे, जिसमें से बहुत फेमस एक विद्वान स्कॉलर उनके टाइम के हेमचंद्र थे। इसके अलावा वो बहुत से चीज़ ऐसे बिल्ड भी किए, बनाए भी, जैसे कि टैंक, टावर और कुछ और भी टेम्पल्स, मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द चालुक्यज ऑफ गुजरात वॉज कुमारपाल। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1143 CE जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ जय सिंह एंड हिज रूलिंग वॉज कंटिन्यूड अप टू 1172 CE। गुजरात के चालुक्यों का अगला महत्वपूर्ण राजा है कुमारपाल। कुमारपाल ने सिंहासन आरोहण 1143 CE में किया था और उनका शासनकाल 1172 CE तक रहा। जय सिंह का मृत्यु के तुरंत बाद कुमारपाल ने सिंहासन आरोहण किया था। Before ascending the throne, Kumarpal had to struggle a lot. Actually, both Kumarpal and Jai Singh were the grandson of Bhim II from different bloodlines. And after the death of Jai Singh, without any son, Kumarpal came back to his dynasty and he was considered or made
द रूलर ऑफ चालुक्यास ऑफ गुजरात डायनेस्टी बाय देयर मिनिस्टर उदयन। सिंहासन आरोहण के पहले कुमारपाल को बहुत संघर्ष करना पड़ा था। असल में कुमारपाल और जय सिंह दोनों ही भीम द्वितीय के पोते थे, लेकिन अलग अलग ब्लड लाइन्स से थे। जय सिंह बिना पुत्र के, बिना पुत्र संतान के जय सिंह का जब मृत्यु हो जाता है तो कुमारपाल अपने राज्य में वापस आते हैं, और उस समय गुजरात के चालुक्य राजवंश का जो मंत्री थे उदयन, उनके द्वारा वे शासक घोषित या स्थापित होते हैं। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन कुमारपाल हैड टू फेस अ वार अगेंस्ट अर्णोराज चाहमान। एक्चुअली अर्णोराज चाहमान हिमसेल्फ declared war against him and was defeated by Kumarpal. But after 4 years of gap, Arnoraj again attacked on Kumarpal. And this time, to divert Kumarpal, he made Ballal the ruler of Gujarat invaded Malwa region, and Arnoraj himself captured the Nadol region. In this way, he was diverted Kumarpal's attention to different directions. But being very clever, Kumarpal send his feudatory against Ballal in Malwa, and he himself went against Arnoraj and reached Nadol and defeated him. And in Malwa, the feudatory of Kumarpal defeated Ballal. Singhasan Arohan karne ke तुरंत बाद चाहमान राजा अर्णोराज ने कुमारपाल के ऊपर आक्रमण करते हैं और कुमारपाल के द्वारा पराजित भी हो जाते हैं। इसके बाद 4 साल के बीच में गैप के बाद अर्णोराज दोबारा कुमारपाल के ऊपर आक्रमण करने का सोचते हैं, लेकिन इस समय वो कूटनीति अपनाते हैं और कुमारपाल के जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए वे एक ही साथ खुद नाडोल पे कैप्चर करते हैं और बल्लाल को मालवा का जो रीजन गुजरात के चालुक्यों का जो रीजन था मालवा का, उसमें बल्लाल को कैप्चर करने के लिए भेज देते हैं। ऐसे स्थिति में कुमारपाल बहुत शांत दिमाग लेके खुद अर्णोराज के खिलाफ नदोल की तरफ बढ़ते हैं और अपने सामंत राजा को बल्लाल के अगेंस्ट मालवा के तरफ भेज देते हैं। और कुमारपाल नदोल पहुंच के अर्णोराज को हरा देते हैं, और उधर उनके जो सामंत राजा थे जो बल्लाल के अगेंस्ट मालवा पहुंचे थे, वो बल्लाल को भी उधर हरा देते हैं। When Kumarpal returned after defeating Arnoraj, Kumarpal established Yashodhavla as Paramar of Abu King in the place of Vikrama Singha, because he had a doubt about the loyalty of Vikrama Singh. The another branch of Paramar, the Paramars of Kiradu, also accepted Kumarpal's sovereignty. Arnoraj ko hara ke apne rajy mein lautne ke baad, Kumarpal Paramar Abu ke Paramar Raja Vikrama Singh ko hata kar Yashodhavla ko Raja bana dete hai, kyunki
कुमार पाल को विक्रमा सिंह का लॉयल्टी को लेके संदेह था। इसके अतिरिक्त किरादू का जो परमार थे वे भी कुमार पाल के अधिपत्व को स्वीकार कर लिए थे। इट सीम्स देर वेर सम डिस्टर्बेंसेज इन सौराष्ट्र ड्यूरिंग कुमार पाला's रेन। बिकॉज ऑफ दैट प्रोबेबली ही हैड टू सेंड हिज मिलिटरी टू सौराष्ट्र। कुमार पाल के राजकाल में सौराष्ट्र में किसी तरीके का कुछ डिस्टर्बेंस रहा होगा, जिस वजह से ये लिटरेरी एविडेंस से पता चलता है कि कुमार पाल को अपने सेना सौराष्ट्र में भेजना पड़ा था। जैन सोर्स टेल्स दैट कुमार पाला's कमांडर अमराभट डिफीटेड मल्लिकार्जुन हु वॉज द रूलर ऑफ कोंकण। अमराभट ऑल्सो डिफीटेड द रूलर ऑफ सिंध एंड कैप्चर्ड द रीजियन। जैन साहित्यिक स्रोत से ये पता चलता है कि कुमार पाल का सेनानायक या सेनापति अमराभट कोंकण का शासक मल्लिकार्जुन को हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। इसके अलावा वे सिंध के शासक को भी पराजित करते हैं और सिंध का जो हिस्सा है, सीमा है, उसको भी अपने मतलब गुजरात के चालुक्य के सीमा के अंतर्गत करते हैं। देयरफोर द किंगडम ऑफ कुमारपाला इंक्लूडेड द मालवा रीजियन, द लत एंड कच्छ रीजियन ऑफ गुजरात एंड ऑल्सो द किरादू रीजियन ऑफ राजस्थान। भिलसा ऑल्सो वेयर अंडर हिज किंगडम। देयरफोर कुमारपाला's किंगडम एक्सटेंडेड अप टू भिलसा इन द ईस्ट, जैसलमेर इन द नॉर्थ, कच्छ इन द वेस्ट एंड विंध्यास इन द साउथ। इस तरह से कुमार पाल के साम्राज्य के अंतर्गत मालवा के क्षेत्र, गुजरात के लत और कच्छ का क्षेत्र, इसके अलावा राजस्थान के किरादू का क्षेत्र, भिलसा का क्षेत्र, ये सभी उनके साम्राज्य में आ जाता है और उनका पूर्ण साम्राज्य पूर्व में भिलसा से लेके पश्चिम में कच्छ तक और उत्तर में जैसलमेर से लेके दक्षिण में विंध्या तक प्रसारित हो जाता है। द जैन टेक्स्ट मेंशन्ड कुमारपाल एज अ जैन बाय हिज रिलीजियस बिलीफ, बट कुमारपाला's inscriptions mentions him as a Shaiv. There is a controversy regarding his religious faith among the scholars. Whatever it was, he was actually tolerant towards every religion. Jain साहित्यिक स्रोत के अनुसार कुमारपाल जैन धर्म के थे, लेकिन कुमारपाल के अभिलेख में उन्हें शैव कहा गया है। इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद भी है। जो भी रहा होगा, जो भी उनका धर्म विश्वास रहा होगा, धार्मिक विश्वास उनका रहा होगा, लेकिन वे असल में एक धर्म सहिष्णु राजा थे।